विक्रम विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए पूरे विक्रम परिक्षेत्र में भ्रमण किया। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे विक्रम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने मंगलवार को एक वाहन रैली निकाली। सभी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के सभी डिपार्टमेंट में गए और नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों की स्थायी की जाए तथा अन्य कर्मचारियों को भी नियमित की जाए। इसके साथ ही वेतन विसंगति और भक्तों को लेकर भी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश महासंघ के आह्वान पे हम लोगों ने जो 14 सूत्री 17 सूत्री मांगों के निराकरण के संबंध में अभी तक कोई हमको शासन से वो प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हमने आज ये वाहन कैंपस के अंदर वाहन रैली निकाल के समस्त अध्ययन शालाओं में हम लोगों ने समस्त कर्मचारी को जागरूक करके इस वाहन रैली को सफल बनाने के लिए हमने ये वाहन रैली आज आई। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है दैनिक वेतन भोगी को स्थायी और नियमितीकरण करना प्रथम मांगे है। हमारी सातवां वेतन मान को शीघ्र लागू करने के संबंध में आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे यह रहेगी हम सांसद और महोदय विधायक महोदय के संपर्क में उनको ज्ञापन सौंपेंगे अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है। अभी किसी को भी काम नहीं करने दे रहे हैं आप? अभी स्थायी जितने भी लोग हैं कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करना।